पूछा कि भाई एक बार बताओ, कोचिंग हम लोग साथ साथ देते हैं ठीक है, और तुम राधा कृष्ण को महल पे रहते हो, कहीं बाहर जाते आते नहीं हो, और राधा कृष्ण की शिक्षा क्या है कि मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो और कोई भगवान नहीं और तुम जिस प्रकार की शिक्षा दे रहे हो, ये शिक्षा तुम्हें प्राप्त कहां से हुई? इसका उत्तर मुझे प्रहलाद आप दीजिए, मेरी शंका का समाधान करिए। ठीक बात है कि नहीं भाई? आप मैथ की क्लास में जा रहे हो, एक साथ मैथ सीख रहे हो, और एक बच्चा जर्मनी सिखाने लगे, तो अगर भी भारत में रहते हो तुम, ये जर्मनी कहाँ से सीख रहे? तुमको जर्मनी कैसे सिखा रही? तुम्हारे घर में भी कोई जर्मनी नहीं बोलता है, तुम कहीं और कोचिंग भी लेने नहीं गए, कहीं और जर्मनी की क्लास भी ज्वाइन नहीं करी, फिर तुम ये कैसे बोलना सीख गए? तो इसलिए वो पूछते हैं तो वो उत्तर देते हैं। क्या बोलते हैं कि मैं ये नारद मुनि की कृपा से सीखा, और कब सीखा? जब मैं माँ के गर्भ में था। तो ये जो अध्याय का नाम है, वो अध्याय का नाम है प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा, प्रहलाद महाराज ने गर्भ में क्या सीखा। तो अब प्रहलाद महाराज बता रहे हैं किनको, अपने असुर सहपाठियों को, कि मैंने गर्भ में नारद मुनि से क्या क्या सीखा है। तो उन जो शिक्षाएं चल रही है, उनमें जो सीखा है, उसी में ये दो श्लोक है जिनको हम लोग अभी चर्चा किए, और इसके बाद भी दो श्लोक हैं, उनको भी पढ़ लीजिए तो समझ आएगा कि प्रहलाद महाराज कह क्या रहे हैं। तो इसका अर्थ भी हमारे साथ साथ बोलिए। अगला जो श्लोक है उसका अर्थ है, मनुष्य को चाहिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अंतर परमात्मा को सदैव स्मरण करे, जो प्रत्येक जीव के अंतःकरण में स्थित है। इस प्रकार उसे जीव की स्थिति या स्वरूप के अनुसार प्रत्येक जीव का आदर करना चाहिए। और अगला श्लोक है 33वां, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, इन उपर्युक्त कार्यकलापों द्वारा मनुष्य को सॉरी मनुष्य शत्रुओं, और मनुष्य शत्रु कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या के प्रभाव को दमन करने में समर्थ होता है, और ऐसा कर लेने पर वह भगवान की सेवा कर सकता है। इस प्रकार वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रेमा भक्ति को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर कुछ बात स्पष्ट हो रही है कि क्या करने से क्या होता है। ठीक है, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि ये कृपा मुझे कैसे मिली, कैसे मैं अपने आसुरी भाव को छोड़ करके देवी भाव में आ पाया। हम में से हम लोग सब स्वीकार कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि हाँ हम आसुरी भाव में हैं। कितने लोगों को इसको हृदय से आभास है, केवल हाथ उठाने के लिए हाथ खड़ा न करें, जिसे इस बात की अनुभूति हो हृदय से, हृदय से जो फील करता हो कि सच में हमारे अंदर आसुरी भाव है। अब इसको समझने के लिए आवश्यक ये है कि क्या आपने भगवत गीता के 16 अध्याय पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तो पहले तो मैं आप लोगों से पूछूंगा कितने लोगों ने भगवत गीता का 16 अध्याय पूरा पढ़ा है, वो हाथ खड़ा कर। ठीक है, जिन लोगों ने पढ़ा है वो कुछ समझ सकते हैं, हालांकि कई बार हम पढ़ लेते हैं लेकिन वास्तविकता में उसमें हमारा प्रवेश नहीं होता है। पढ़ना एक अलग बात है और प्रवेश करना अलग बात है। तो जब तक हम पढ़ेंगे खाली तो उससे काम नहीं बनेगा, हमको उसे को मनन करना होगा कि क्या आसुरी स्वभाव है और क्या देवी स्वभाव है। और मनन किस लिए करना होता होगा? अपने अनर्थों को जानने के लिए। शास्त्र हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि शास्त्र क्या है? आईना। शास्त्र क्या है? शीशा है, आईना है, जिसमें हम अपने आप को देखते हैं। हम लोग अपने को देखने चाहते हैं क्योंकि हम अपने को क्या मानते हैं? शरीर की आत्मा, शरीर मानते हैं। तो शरीर वाला है ना, कोई दिन ऐसा जाता है जब कोई बिना शीशा देखे घर से बाहर निकलता हो? ईमानदारी साफ खड़ा करो, कोई ऐसा है? सही है ना, बराबर पहले शीशा देखेंगे,
क्यों? क्योंकि हम अपने क्या मानते हैं, शरीर बढ़िया होना चाहिए, आगे बढ़िया होनी चाहिए, होनी चाहिए, अलग चीज तो होना चाहिए और चीजें ठीक होनी चाहिए, है ना। लेकिन आत्मा को देखना चाहते हैं नहीं, कोई मतलब सोए पड़े और मानते अपने आप को बड़ा आत्मज्ञानी, ये हमारी बड़ी प्रॉब्लम है। हम सबका ये बहुत बड़ी बीमारी है, हम अपने को बहुत बड़ा आत्मज्ञानी मानते हैं, क्योंकि हमने 2-4 साल से ये सुन लिया है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। अब हम बोलते हैं तुम्हें पता है, तुम समझा सकते हैं सबको, लेकिन कुछ नहीं समझा है और ना कुछ समझा पाएंगे, क्योंकि जब हमारा मूड ही नहीं बदला है, जब हमारी भावनाएं वो नहीं हुई है जो होनी चाहिए, तो हम क्या सिखाएंगे लोगों को? जो हमने सीखा है उसको सिखाएंगे, तो वहां गलती होती है, हम सबसे गलती होती है और यह स्वाभाविक है, क्योंकि हम सबकी एक प्रॉब्लम है, हम समझते कम है और करते ज्यादा है, किसी भी विषय को समझते नहीं है, बस दौड़ पड़ते हैं, हाँ हो गया भाई क्या करना है, चलो 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 आओ ऐसा करना है, अभी तुम ऐसा करो ऐसा, भाई समझो तो सही, करना क्या है, क्यों करना है, पर्पस क्या है। तो प्रहलाद महाराज बता रहे कि मैंने माँ के गर्भ में क्या सीखा, तो क्या बोलते हैं, मैंने माँ के गर्भ में क्या सीखा, गुरु का सेवा करना चाहिए और पहले तो गुरु स्वीकार करना चाहिए, यानी संबंध बनाना चाहिए। तो क्या हमने संबंध बनाया है? गुरु स्वीकार करने का यह मतलब नहीं है, जैसा कि आप देखते हैं बाहरी जगत में लोग केवल गुरु शिष्य के नाम पर एक खेल खेल रहे हैं, कोई किसी के प्रति समर्पित नहीं है। बाहरी समाज में ये स्पष्ट रूप से कोई भी विद्वान व्यक्ति, कोई भी थोड़ा सा विवेक रखने वाला व्यक्ति ये देख सकता है कि ना तो शिष्य को गुरु से कोई लेना देना है और ना तथा कथित जो बिना परंपरा के गुरु हैं उन्हें भी कोई शिष्यों से लेना देना। वो कहते हैं तुम्हें जहां तुम नरक कल जा रहे हो वहां चले जाओ, हमें तुम्हारी कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो जानते हैं, वो भी जान रहे हैं कि न तुम्हें उनसे मतलब है ना उन्हें तुमसे मतलब। तुमने भी क्या किया है, केवल एक सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए दीक्षा ले रखी है और तुमने एक फोटो लगा रखी है घर में, न तुम्हें उनसे कोई मतलब है, तो वो जान रहे हैं कि तुम्हें हमसे मतलब नहीं तो हम तुम्हें मतलब क्या रखे, और उन्हें खुद भी कोई ज्यादा ज्ञान नहीं है क्योंकि वो प्रमाणित परंपरा में नहीं। तो ना उन्हें ना एक गुरु को शिष्य की चिंता है और ना एक शिष्य को गुरु की सेवा की चिंता है, चिंता भी अलग अलग होती है, बात को बड़ा ध्यान से समझिए। हम लोग कई बार मूर्खता करते हैं, अपने कर्तव्यों को नहीं समझते बल्कि दूसरे के कर्तव्यों को समझते हैं। अगर हम ईमानदारी से कहें, जब हम माँ बाप होते हैं तब हम माँ बाप के कर्तव्यों को खूब समझते हैं, लेकिन जब हम बच्चे होते हैं तब माँ बाप के प्रति बच्चे का क्या कर्तव्य है उस कर्तव्य को हम समझते हैं, कोई नहीं समझता। हाँ जब माँ बाप बन जाएंगे, हाँ बच्चों को ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, सुबह उठ के पहले चरण छूने चाहिए, सेवा करनी चाहिए, साथ सोने जाए तो कम से कम चरण दबाना चाहिए, जो हम बोले सो करना चाहिए, लेकिन ये बातें उसको कब समझ आती है? जब वो खुद माँ बाप बनता है, जब बच्चा होता है तब नहीं समझता, तब वो अपनी मौज में रहता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम सब लोगों का ये चीज सांसारिक स्वभाव है, ये हमारा मानसिक रोग है, कृपया इसे समझिए। इसी प्रकार से जब हम शिष्य होते हैं तो हम अपनी मौज में रहते हैं, हाँ खाओ पियो घूमो मौज मस्ती बोले ठीक है, तीर्थ यात्राएं करो, दर्शन करो, खूब सत्संग में आओ, है ना, ये सब अच्छा है, लेकिन अगर ठीक प्रकार से किया जाए तो अदरवाइज ये सब चीजें भी क्या हो जाती हैं, केवल एक इंद्रिय तृप्ति बनकर के रह जाती है। कई बार हम चीजों को समझते नहीं है और समझते नहीं है और ये मानते भी नहीं है हम कि नहीं समझते हैं। अगर हमने से पूछा जाए क्या आप समझ रहे हो सारी बात, तो अगर कोई हमसे बुद्धिमान व्यक्ति होगा तब तो हम उसके सामने क्या कहेंगे, नहीं नहीं प्रभु जी अभी कहा हमको समझेंगे, है ना। और अगर कोई नया नया हमको मिल जाए फिर क्या करेंगे हम, अरे अरे हमें सब पता, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आओ हमारे पास, तुम्हें सब क्लियर कर देना। तो हमारी ये सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि हम खुद समझते नहीं है लेकिन समझाने को तैयार। अब जब हम खुद नहीं समझ रहे हैं तो समझाएंगे तो क्या करेंगे, सामने वाले का कल्याण करेंगे या सर्वनाश करेंगे? ये भूल हम सब लोग करते हैं, कृपया इसे समझिए। बार बार मैं आप सबको सचेत करता हूँ, कृपया समझिए, कोई भी भक्त किसी भी भक्त को गलत डायरेक्शन न दे, सारी मेहनत पर पानी न फेरे, उसको कुछ नहीं पता है उसे चुप रहना चाहिए।
या फिर उसे बोलना चाहिए कि आपकी जो भी समस्या है, जो भी प्रश्न है, उसको प्रभु जी से पूछो। उसको एक दूसरे को गलत राय नहीं देनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग इनको प्रैक्टिकल विषयों में चर्चा करेंगे जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक वक्त ने एक वक्त से कहा, आपस में कई और की बात नहीं, अपने लखनऊ की बात है, हम लोग समस्याओं पर चर्चा करेंगे, हम कभी किसी भक्त का नाम नहीं लेंगे, है ना? क्योंकि नाम लेने से क्या होता है, द्वेष होता है और एक भक्त का इमेज भी खराब होता है। तो इसलिए हम किसी भक्त का नाम नहीं लेंगे, लेकिन समस्या पे चर्चा जरूर करेंगे जिससे कि हम लोग समझ पाए क्या है। एक भक्त भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कैसे वो धीरे धीरे अपनी चेतना को भगवान सेवा में लगाए, गुरु के निर्देशन में कोशिश कर रहा है धीरे धीरे। ठीक है, अच्छा, सामाजिक प्रलोभन तो रहते ही है, सांसारिक प्रलोभन, सामाजिक सांसारिक प्रलोभन रहते हैं। हर व्यक्ति को पैसा किसे बुरा लगता है, सांसारिक इंद्रिय तृप्ति किसे बुरी लगती है, एक अच्छा सोना, अच्छा सोना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना किसे बुरा लगता है, सब चाहते हैं, लेकिन प्रारंभ पर ही मिलता है तो कहने पर केवल इतना है। हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन वो कुछ रहा है कि धीरे धीरे आध्यात्मिक चेतना में अपने को आगे बढ़ाने का, ठीक है, और वो आकर के सेवा करना है। अभी ईर्ष्यालु जीवात्मा क्या करेगा, वो सामने वाले व्यक्ति को सही भाव नहीं देगा, वो उसको अपने ईर्ष्या व्यापार करेगा। और उस भक्त ने उस दूसरे भक्त से क्या कहा, बोले देखो ऐसा है, भक्ति होती है, भक्ति बहुत जरूरी है, भक्ति करना ही जीवन का लक्ष्य है, ठीक है, बिना पैसे की भक्ति नहीं होती। अभी आपको यात्रा पे जाना है, आपको 11,000-12,000 देना पड़ेगा, ठीक है, 12,000-11,000 दोगे तो 1,000 रूम मिलेगा, और अगर 8,000 दोगे तो फिर 2 रूम मिलेगा, और अगर नहीं कुछ दोगे तो जा ही नहीं पाओगे, तो बताओ कैसे भक्ति करोगे। तो अब जिस भक्त ने बोला, गलत बोला कि सही बोला, ईमानदारी से बताओ, गलत बोला कि सही बोला, गलत बोला। अच्छा, कितने लोग बोलते हैं गलत बोला, कितने लोग बोलते हैं सही बोला, अभी कोई कुछ बोल ही रहा है, क्या कहें, सही कहें, भाई क्या सही क्या गलत। ये जब बोलते हैं तब क्या होता है, वो अपनी बुद्धि का परिचय देते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो सोच पाएगा, जो समझ पाएगा, वही तो बोलेगा ना, ये उससे ज्यादा बोलेगा, उससे ज्यादा कुछ बोलता है, तो आप लोग बैठा बैठा रहते हैं, इधर तो हमारा कहना है, जो जितना हमें व्यक्ति के बुद्धि के लेवल को समझना चाहिए, इतना मूर्ख नहीं होना चाहिए कि कुछ भी कोई कहे और हम उसको विचार कर लें, तो हमको अपना विवेक रखना चाहिए। उसने कहा भाई बताओ ऐसा होता है क्या, बोला पहले दूसरा बोला हाँ बात तो सही है। तो उसने फिर मुझसे पूछा, बोले प्रभु जी ऐसी ऐसी बात थी, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा प्रभुपाद जी बोल रहे हैं भगवद गीता के तात्पर्य में कि धन व्यक्ति की रंच मात्र सहायता नहीं कर सकता है। सामने इधर अभी जो बताना जरूरी है, ऑफर करके उधर से ऑफर करो सामने बताओ। तो कहने का मतलब है, हम लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि क्या करना है, क्या अब इसको समझ लीजिए, दोनों बातों विचार करिए फिर आप बताइए क्या सही है क्या गलत। पहली चीज तो ये है, भक्ति का मतलब क्या है, भागवत गीता के अनुसार, भागवत के अनुसार, प्रभुपाद जी के शिक्षाओं के अनुसार, तात्पर्य के अनुसार आप लोग क्या समझे भक्ति का मतलब, कोई बताना चाहे जो बताना चाहे वो आप खड़ा कर, नहीं पूछा नहीं है, हाथ खड़ा करके बोला। हाँ लेकिन प्रेममयी सेवा, तो प्रेममयी सेवा के लिए पैसा जरूरी है, नहीं? हाँ या ना, प्रेम करने के लिए पैसा जरूरी है, सेवा करने के लिए पैसा जरूरी है, तो भक्ति के लिए पैसा जरूरी है, मजे करने के लिए पैसा जरूरी है, वो जरूरी, बिना पैसे के मजा नहीं मिलता। मजा अलग चीज है, भक्ति अलग चीज, कृपया समझिए। हाँ, हम अभी उतने परिपक्व नहीं है, इसलिए हम धन के माध्यम से, मजे के माध्यम से भी भक्ति कर सकते, क्योंकि एकदम नहीं होगा ना, उसका प्योर लेवल नहीं है ना हमारा,
हमें भक्तों का संग चाहिए, हमको थोड़े साइट सीन भी चाहिए, हमको थोड़ा मजा भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, अच्छा अरेंजमेंट भी चाहिए, अच्छा रहने को भी चाहिए, अच्छा पहनने को भी चाहिए, कोई बुराई नहीं, लेकिन समझना जरूर है, सत्य को समझना जरूर है, कम से कम बौद्धिक लेवल पे तो समझना ही है। हम उसे पालन कर पाए न कर पाए या करने का प्रयास करें वो एक अलग विषय, लेकिन इसको जरूर समझिए कि भक्ति के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाँ, भगवान की सेवा के लिए धन की आवश्यकता है, ऐसी आवश्यकता है। अगर हम भगवान को कुछ ऑफर करना चाहते हैं, उनको भोग लगाना चाहते हैं, उनको प्रसाद देना चाहते हैं, उनको सर्व करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हम शारीरिक रूप से भी कर सकते हैं और आर्थिक रूप से भी कर सकते हैं, लेकिन अपने को आनंद देने के लिए, अपने को भक्ति का रस चखाने के लिए धन की आवश्यकता है, नहीं। तीनों आचार्य हम देख सकते हैं, हरिदास ठाकुर, अपनेश्वर गोस्वामी, उनके जीवन से, हमारे जो आचार्य उनके जीवन से हम देख सकते हैं, उन्होंने जो भक्ति का आनंद लिया वो कैसे लिया। तो कहने का मतलब है, हम सब लोगों को भागवत के अनुसार, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के अनुसार चीजों को समझना चाहिए, और अगर हम न समझें तो गलत बात किसी व्यक्ति को नहीं बोलनी चाहिए। अभी क्या बोले, अभी एक व्यक्ति सीनियर व्यक्ति है, उसने एक जूनियर व्यक्ति, तो क्या होगा उसका भाव क्या होगा, एक नए व्यक्ति का भाव क्या होगा बताओ। अब वो नया व्यक्ति क्या सोच रहा है, कह रहे यू तो 4 साल पुराना भक्त है, 5 साल पुराना भक्त है, तो ये 5 साल पुराना भक्त है तो ये सही बोल रहा होगा। तो जब ऐसा व्यक्ति कोई नए व्यक्ति को कुछ भी बोलता है तब क्या होगा, उसका मन खराब होगा कि अच्छा होगा, खराब हो जाए। और हम लोग बार बार क्या करते हैं, एक दूसरे का मन अच्छा करते हैं कि खराब करते हैं। तो जब खराब मन होगा तो आनंद आएगा, ये संभव नहीं। तो कृपया इसे समझिए, हम लोगों के मन अच्छा करने वाली बात बोले तब क्या होगा, सबके मन अच्छे होंगे और सब आनंद में रहे। फिर मैं आपको एक बार बोलना चाहूँ, आनंद जो भक्ति से आनंद मिलता है वो कहाँ से मिलता है, हृदय से, अंदर से। आंखों से मिलेगा, आंख से मिलेगा, उससे मिलेगा, आंख से हमें सुंदरता दिखती है, ठीक है ना, आंख से सुंदरता वाला सुख मिलता है, कान से अच्छा मीठा मीठा सुनने वाला, बढ़िया कीर्तन चल रहा है, बड़ी सुंदर सुंदर लय में पतंग भी चल रहा है, बढ़िया जंपर भी चल रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, बहुत भक्ति, बहुत भक्ति, बहुत आनंद है, लेकिन वो आनंद किस स्तर का है, कान के स्तर का। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जिनका आज हम उनके ही आज कृपा में है, उनकी सदर छाया में है, उनके ही मत है, वो कीर्तन नहीं कर पाते थे, करते नहीं थे, जितना गाते वो नहीं करते, वो जब कोई व्यक्ति कीर्तन बहुत करते थे तो उनको खड़ा करते थे, जो सबसे बुरा गाता था उसको खड़ा करते बोले गाओ। हमें भगवान के नाम में रस लेना है या ले में रस लेना है, नाम नाम में आनंद आना चाहिए, नाम में जो आनंद आएगा वो आपको कहाँ से मिलेगा, हृदय से, और ले में जो आनंद मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, कान से। इतना बुद्धि हमारे पास होना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए क्या, हाँ ठीक है हमें प्रयास करने हैं, धीरे धीरे लेवल बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमको बात पता होनी चाहिए क्या है, करना क्या है, किस तरीके से। तो जब हमें चीजें स्पष्ट होती है तो फिर हम सामने वाले को दिशा दे सकते हैं, नहीं तो क्या करेंगे, एक व्यक्ति जैसे तैसे भक्ति में घंटों, आप विचार करो, एक एक व्यक्ति को, आप में से जो लोग बैठे हैं, एक एक व्यक्ति को घंटों समझाने के बाद, सालों समझाने के बाद, जैसे तैसे थोड़ी सही चेतना में व्यक्ति को लाया जाता है, लेकिन गलत बात करके, गलत भावना देकर के क्या होता है, वो व्यक्ति का भाव खराब हो जाता है और वो गलत डायरेक्शन में चला जाता है। इसलिए हम सब लोगों को स्पष्ट रूप से यहाँ प्रहलाद महाराज क्या बता रहे हैं, हमको श्रवण करना चाहिए, किसके श्रवण करना चाहिए, तो यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी स्पष्ट। अब हमारे साथ साथ श्लोक का अर्थ पढ़िए तो आपको समझ आएगा प्रभुपाद जी भागवत में क्या बोल रहे हैं, जिसकी भी हमने चर्चा की। हाँ,
मनुष्य को प्रमाणिक गुरु स्वीकार करना चाहिए, अत्यंत भक्ति तथा श्रद्धा के साथ उनका सेवा करना चाहिए और जो कुछ भी हो उनको गुरु को अर्पित करना चाहिए तथा संत पुरुषों तथा भक्तों की संगति में भगवान की पूजा करनी चाहिए, श्रद्धा पूर्वक भगवान के यश का श्रवण करना चाहिए और भगवान के दिव्य गुणों तथा कार्यकलापों का यशोगान करना चाहिए, सदैव भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए तथा अभी बात को ध्यान से समझिए तथा शास्त्र एवं गुरु के आदेशानुसार भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करनी चाहिए। इसके आदेश के अनुसार शास्त्र और प्रभुपाद जी बताते हैं सत्य को जानने का मार्ग क्या है और भटकने का मार्ग क्या है। दो मार्ग हो गए, एक सत्य पर चलने का और एक भटकने का। तो सत्य पर चलने का मार्ग क्या है? गुरु साधु शास्त्र। गुरु कुछ बोल रहा है वो मनगढ़ंत नहीं, कुछ भी बोल रहे हैं ऐसा नहीं, जो बोले वो कहां से बोले? शास्त्र से बोले। और शास्त्र का जो बोल रहे हैं वही बात अन्य सिद्ध संत चरु गोस्वामी, नामाचार्य हरदास ठाकुर, अपनी गुरु परंपरा के आचार्य, अन्य सिद्ध संत तुकाराम, तुलसी बाबा, मीरा जी, अन्य आदि आदि संत भी उसका क्या करें? अनुमोदन करें। तब वो बात क्या है? सत्य है। और उसके अलावा जो कोई कुछ भी कहे उसका कोई अर्थ नहीं है, हम दिशा से बेदशा हो जाएंगे। तो इसलिए हमको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि शास्त्र क्या कह रहा है, भागवत क्या कह रही है, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। अंधानुगमन नहीं। अंधानुगमन करने से क्या होगा? हम हमेशा दिशा से भ्रमित होंगे। इसलिए हमको शास्त्र के अनुसार भक्ति करना चाहिए। अभी प्रभुपाद जी क्या तात्पर्य बोल रहे हैं उसको सुनिए और आप लोग इस श्लोक को पढ़िएगा घर जाकर के ध्यान से। अंतिम टॉपिक को ले रहा हूँ जहाँ प्रभुपाद जी, अतएव एक वैष्णव या साधु को आदर्श आचरण में दृढ़ और पूर्ण रहना चाहिए। एक वैष्णव और साधु को क्या करना चाहिए? आदर्श आचरण में पूर्ण रहना चाहिए और दृढ़ रहना चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वैष्णव का सम्मान वैष्णव के योग्य होना चाहिए। वैष्णव का सम्मान वैष्णव के योग्य होना चाहिए। जो जिस स्तर पर है उसको क्या करना चाहिए? सम्मान। वैष्णव का सम्मान वैष्णव के योग्य होना चाहिए, जिसका अर्थ यह है कि उसकी सेवा की जानी चाहिए। वैष्णव का क्या होना चाहिए? सेवा होना चाहिए और उसका गुणगान होना चाहिए। ठीक है, किंतु यदि वह संगति के उपयुक्त नहीं, ये कौन बोल रहा है? और भागवत में बता रहे हैं यदि वह संगति के उपयुक्त नहीं व्यक्ति नहीं है तो उसकी संगति नहीं करनी चाहिए, आदर देना चाहिए। वैष्णव है, माला कर रहा है, सोला माला कर रहा है, आप लोग एक दूसरे को संग देते हो, अच्छा है। अब एक भक्त दूसरे को गलत डायरेक्शन दे रहा है, आप में से एक भक्त दूसरे को गलत मन खराब कर रहा है, एक भक्त दूसरे को कुछ और बोल रहा है, तो फिर आपको इतना बुद्धिमान बनना पड़ेगा। नहीं, ये तो मेरे साथ का भक्त है, ये तो 3 साल पुराना भक्त है, मैं तो अभी 2 महीने हुए आए और ये कैसी बात कर रहा है। तो आप में भी तो इतना बुद्धि होना चाहिए कि वो आपको आपकी श्रद्धा को काट रहा है या श्रद्धा को बढ़ा रहा है, आपका दिशा क्या दे रहा है। और अगर आप इतने बड़े मूर्ख हो कि अपनी श्रद्धा को फुल काटना चाहते हो तो कौन बचा पाएगा? कोई बचा भी नहीं सकता। तो इसीलिए प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि किंतु यह वैष्णव यदि वह संगति के योग्य नहीं तो क्या करना चाहिए? उसकी संगति नहीं करनी, संगति नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब संगति अलग चीज है और सम्मान अलग चीज है। संगति करनी चाहिए, संगति नहीं करनी चाहिए, लेकिन आदर देना नहीं छोड़ना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि अरे ये तो ऐसी बात कर रहा था इसने ऐसा कि उसको आदर नहीं देंगे। नहीं नहीं, आदर देंगे। क्यों? क्योंकि वो भगवान का भक्त है, वैष्णव है। क्यों वैष्णव है? क्योंकि वो साधना कर रहा है, माला कर रहा है, भगवान की गली कंठी पहने है। भली वो आप 3 साल है, 2 साल है, 5 साल है, अलग अलग स्तर के आप लोग बैठे हो कि नहीं बैठे हो, और आप में से आप लोग एक दूसरे का मन अच्छा भी करते हो और आप लोग आप में से एक दूसरे का मन खराब भी करते हो कि नहीं करते हो। तो हमें इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि कोई भी विपरीत परिस्थिति हो तो उसमें हमें एक अच्छा विचार देकर के उसको आध्यात्मिक मार्ग पर लाना चाहिए, जिससे उसका श्रद्धा भगवान में, गुरु में, वैष्णवों में बढ़े, ना कि वो अपराध करने
लगे भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, वैष्णवों के प्रति, ये कौन सी शिक्षा? तो इतना बुद्धिमान प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। आगे प्रभुपाद जी जिसके आगे भागवत का जो श्लोक है उसमें बोलते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके अंतर्यामी प्रतिनिधि स्वरूप परमात्मा को सदैव स्मरण करे। जो व्यक्ति जीव के अंतःकरण में स्थित है, इस प्रकार उसे जीव की स्थिति तथा स्वरूप के अनुसार प्रत्येक जीव का आदर करना चाहिए। प्रत्येक जीव का क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। ऐसा नहीं खाली वैष्णव का आदर करो, नहीं, सबका आदर करो। जो भी हमारे संपर्क में आए उसको क्या करो? आदर करो। ये कौन शिक्षा दे रहा है? नारद मुनि ने शिक्षा दी है किसको? प्रहलाद को। प्रहलाद कहाँ है? गर्भ में है। तब उन्होंने सीखा। अब प्रहलाद महाराज बता रहे हैं अपने असुर साथियों, ठीक है ना? तो हमें समझना चाहिए भक्ति इतनी सरल नहीं है। इतनी सरल होती तो सब कर लेते। समझना बहुत आवश्यक है क्या है, क्यों है, कैसे है। कुछ भी पूछोगे, कहीं भी करोगे तो हमेशा भ्रमित ही रहोगे, कभी लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए आगे बोलते हैं और आगे अब बोलते हैं ये दो कार्य करने से, गुरु के आदेश मानने से, शास्त्र और गुरु के अनुसार चलने से, गुरु का सेवा करने से, और बोला भगवान को सदैव स्मरण करने से, सब जीवों को आदर देने से, इससे लाभ क्या होगा आपका? तो ये जो जो श्लोक है 33वां श्लोक है, उसमें वर्णन है, हमारे साथ साथ बोलिए। इन उपयुक्त कार्यकलापों द्वारा मनुष्य शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या के प्रभाव को दमन करने में समर्थ होता है। ऊपर की बातें जो अभी दो चर्चा की प्रहलाद महाराज बताया, अगर ऊपर दो श्लोक की चर्चा की है, कौन से श्लोक? सातवें अध्याय के सातवें अध्याय का 30, 31, 32, इन तीन श्लोकों को मनन करके इनके अनुसार जीवन चलने पर क्या होता है? 33वें श्लोक में वर्णन चल रहा है कि काम, क्रोध, लोभ, मद के प्रभाव से क्या होता है? दमन करने में समर्थ होता है। ये आसान नहीं है हर व्यक्ति। कोई अच्छा ईमानदारी से बताओ, आप में से कोई व्यक्ति ईर्ष्या को रहना चाहता है? कोई चाहता है कोई ईर्ष्या रहे हमारे अंदर, लेकिन कोई बच पाता है? तो क्या समझिए, कुछ भी करने से कुछ भी होगा जीवन में, ध्यान रखिए। सही करने से ही सही होगा। आप दसियों नहीं, बीसियों नहीं, कुछ भी करते रहिए, कितने साल नहीं, कितने जन्म करिए, तब भी काम नहीं बनेगा। और हमारा लक्ष्य काम बनाना ही है। और वो काम क्या है? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर से हमें छुटकारा मिले, ये सही डायरेक्शन में काम करने लगे और हमारा भगवान से प्रेम हो जाए, हम भगवान से स्नेह करने लगे, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। वरना श्रम एव ही केवलम, वरना जो कुछ भी कर रहे हैं सब क्या हो जाएगा? श्रम, उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो बोलते हैं कि ईर्ष्या के प्रभाव को दमन करने में समर्थ होता है और ऐसा कर लेने पर वह भगवान की सेवा कर सकता है। कौन भगवान की सेवा कर सकता है? जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इनका दमन कर लेगा, वरना सेवा नहीं हो सकती। बोले भले ही रूप सपने देखेंगे भगवान का सेवा करेंगे, सेवा होगा ही नहीं, क्योंकि ये ईर्ष्या सेवा करने नहीं देगी। ईर्ष्या से ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं है। न काम बुरा है इतना, न लोभ बुरा है, न क्रोध। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये मत्सर्य को छोड़ करके और पांच चीजें बुरी हैं, लेकिन उतनी बुरी नहीं है जितना कि मत्सर्य। क्यों? इसकी चर्चा आप लोग कई बार कर चुके हैं, बताओ, कोई बताए? नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। अब आप 7 साल से हमारे साथ हो, सही बात को नहीं समझोगे तो आप नीचे कैसे बताओगे सही? इसीलिए ध्यान से सुनो, नोट करो, बात को समझो और बताओ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद,
इसको आप भगवान की सेवा में लगा सकते हो। आप कामना कर रहे हो भगवान के लिए कामना करो, क्रोध कर रहे हो क्रोध आता है आप कहते हो मुझे क्रोध आता है, कोई बुराई नहीं है, आप ये क्रोध भगवान के लिए करो। लोभ है आपके अंदर, लोभ नहीं छूट रहा कोई बात नहीं, आप अपने लोभ को डाइवर्ट करो, काम को भगवान के प्रति डाइवर्ट, भगवान की सेवा में लगा दो। हनुमान जी क्रोध किए कि नहीं किए, पूरी लंका में आग लगा दी। अर्जुन क्रोध किए कि नहीं किए, भगवान के कहने से कितने लोगों को मारा था, लेकिन किसी वो उन्होंने अपने क्रोध को क्या किया, भगवान की सेवा में लगा दिया। काम को उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दिया, काम क्रोध लोभ लोगों को भगवान की सेवा में लगा दो, मद भगवान की सेवा में लगा दो, लेकिन मत्सर्य वो नहीं लगेगा, उसे आप भगवान की सेवा में नहीं लगा, इसे तो त्यागना ही पड़ेगा। और मैं आपको एक बड़ा स्पष्ट एक बात बोलूंगा कि ईर्ष्या ही मूल कारण है जिसके कारण हम सब इस भौतिक जगत में बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसे हैं, और कोई दूसरी चीज नहीं है। और ये ईर्ष्या पर्याप्त मात्रा में हमारी भगवान से है, गौरताई से है, राधा कृष्ण से है, गुरु से है, माता पिता से, अब आप कहोगे नहीं नहीं इनसे हम बीमार है, लेकिन हमें बीमारी पता नहीं, प्रॉब्लम ये है हमारी, पर्याप्त मात्रा में बीमार है हम लोग, लेकिन हमें अपनी बीमारी का कोई ज्ञान ही नहीं कि हम बीमार है, जब पता चले तब तो इलाज ले, हम तो मान रहे हम रोग मुक्त है, नहीं, ये ईर्ष्या के कारण हम सब इस भौतिक जगत में, और कोई कारण नहीं। आप में से ईमान नहीं होता, माता पिता से कितने लोग ईर्ष्या करते हैं, करता है कोई, जिसे एहसास हो वो हम खड़ा करे, किसी को एहसास है, सब कहते हैं अरे माता पिता से ईर्ष्या, पड़ोसी से होगी उससे होगी, ईर्ष्या किससे होती है, अपने से नीचे से कि अपने श्रेष्ठ से। आपके माता पिता से आपको ईर्ष्या क्यों नहीं पता है, क्योंकि आपके माता पिता आपको अपने से ज्यादा अच्छा खिलाते अच्छा पहनाते हैं, अच्छा घुमाते, जिस दिन वो आपसे अच्छा खुद करने लगेंगे आप सब कुछ सत्य भूल जाओ। ईमानदारी से बता रहा हूं, आप बताओ ईमानदारी से, आपके माता पिता अपने लिए बढ़िया सी मर्सिडीज खरीद लाए, मान लो उनके पास 1.5-2 करोड़ की पूंजी है, और अब वो विचार कर रहे हैं कि अब 10 साल समय बचा है जीवन का, संसार से जाने का समय आ रहा है, हमने बच्चों को पढ़ा दिया लिखा दिया बड़ा कर दिया इस लाइक कर दिया कि अब वो अपना कमा सकते हैं कर सकते हैं अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अब 10 साल थोड़ा मजा ले लिया जाए संसार का, ठीक है, और अपनी मेहनत से कमाई संपत्ति का उपभोग करना चाहते हैं, और वो अपने लिए एक मर्सिडीज बढ़िया सी ले आए, ठीक, बर्दाश्त कर पाओगे। अभी भले ही हम उस मानसिक लेवल पर ना पहुंच पाए, हमें ऐसे बहुत लोग कहेंगे नहीं जी ठीक है और उनका है हम क्यों कहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जब वो स्थिति बनेगी तब स्थिति समझ जाए, ये मानसिक रोग है कृपया समझिए। हम लोग पर्याप्त मात्रा में ईर्ष्या करते हैं, माता पिता गुरु भगवान इनसे ज्यादा ईर्ष्या किसी और से है नहीं, हम लोग अपनी बीमारी जानते ही नहीं, बीमारी है क्या पता ही नहीं है क्या, तो कृपया समझिए, बहुत कुछ जानना है लेकिन जानेगा कौन, जिसे जानने की इच्छा है, बहुत लोगों में से कुछ लोगों का जानने का इच्छा नहीं। अच्छा मुझे बताओ, एक क्लास में 100 बच्चे होते हैं 200 बच्चे होते हैं, सब पढ़ने के लिए क्लास में आते हैं, तो क्लास में जाते क्यों, सब पढ़ने के लिए जाते हैं लेकिन सब समझ नहीं पाते, जाते तो पढ़ने के लिए हैं लेकिन सब समझ नहीं पाते, और क्यों नहीं समझ पाते उसको भी बताएं, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते, वो क्लास में जाना चाहते लेकिन समझना नहीं चाहते, क्लास में जाना अलग बात है और विषय को समझना अलग बात है, जो विषय को समझेगा वो अपने मन बुद्धि अहंकार पर कार्य कर पाएगा, वो भक्ति कर पाएगा, भक्ति करना सहज नहीं, भक्ति का मतलब केवल वेश नहीं, भक्ति का मतलब केवल भीड़ नहीं है, भक्ति का मतलब है आनंद, अगर भक्ति कर रहे हो
तो आनंद में होंगे, आपको दुख नहीं छुपाएगा, ये भक्ति का प्रभाव है। लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो छोटी छोटी चीजों से आहत हो जाएंगे, जरा जरा सी चीजों से आहत हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे हम। और अगर आनंद है तो सब कुछ अरे हाँ ठीक है, सब ये भी वो भी ठीक, वो भी हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, ये है कभी अच्छा, वो भी है, वो भी अच्छा, सब चीजों में हम सामंजस्य बिठा पाएंगे। तो हम सब लोगों को ये बड़ा गंभीरता से समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला है हमको, इन सब बातों पर काम करने के लिए, खास करके काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है, इसका सही उपयोग करने के लिए। और ये पशु जीवन में संभव है क्या? आपको पशु शरीर मिल गया, अब आप कहो कि मैं ईर्ष्या से मुक्त होना चाहता हूँ, और एक पशु सोचे मैं कार्य करना चाहता हूँ अपनी ईर्ष्या पर, संभव है? अच्छा, हम लोग बुरा नहीं मानिए, लेकिन ईमानदारी से अगर हम अपना ध्यान दें अपनी साधना के स्तर पर, तो जो भी समय हमें साधना में हुआ है, क्या उसमें ये मेरी चिंता का विषय है कि मैं अपनी ईर्ष्या से बाहर कैसे निकलूं? ये सबसे बुरी चीज ईर्ष्या है। क्या मेरा ये चिंतन है? जब चिंतन ही नहीं है तो कहां से निकलोगे? पहले बीमारी का पता होना चाहिए, फिर बीमारी पर कार्य करना चाहिए, तब सफलता मिलेगी। आपको बीमारी का पता ही नहीं है कि आपको बीमारी है क्या? अब बीमारी है तो परेशान तो रहोगे, सुखी नहीं रह सकते। शरीर में बीमारी है तो आप सुखी नहीं रहोगे। लेकिन अगर बीमारी पता ही नहीं है क्या बीमारी है, तो कैसे ठीक करोगे? तो इसीलिए हमको फिर जाना पड़ता है डॉक्टर के पास। फिर हम क्या बताते हैं डॉक्टर को? डॉक्टर ये प्रॉब्लम है, शरीर टूट रहा है, बिल्कुल उत्साह नहीं है, कुछ मन नहीं करता है, पड़े रहते हैं, दर्द भी होता है, यहाँ क्यों दर्द हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर भी सारे विषयों पर सोचा, अच्छा और क्या होता है, अच्छा कब होता है, किस किस समय होता है, कैसा होता है, सब पूछेगा और सब पूछ करके फिर वो अपनी शिक्षा के अनुसार, जो उसने शिक्षा ली है उसके अनुसार विचार करेगा इसको प्रॉब्लम क्या है, और फिर उसका वो सोल्यूशन देगा, फिर उस सोल्यूशन को वो मैरिज इम्प्लीमेंट करेगा अपने जीवन में तो लाभ मिलेगा। और अगर उससे लाभ नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा डॉक्टर? फिर दवाई चेंज करेगा। अच्छा नहीं, इससे लाभ नहीं मिला, अच्छा तो हो सकता है मैं सोच रहा था ये प्रॉब्लम, लेकिन नहीं हो सकता है ये प्रॉब्लम। तो हम लोग शरीर के मामले में बड़े होशियार, लेकिन आत्मा स्तर पर केवल इतने से ही हम लोग सोचते हैं, हाँ शरीर नहीं आत्मा बोले, हाँ हमें पता चल गया क्या, हम सब जानते। नहीं नहीं, हम सब लोगों को इसे समझना होगा, और खास करके काम दो दो मत मत्सर, इस पर हम सबको कार्य करना होगा। इसीलिए मनुष्य शरीर हम सबको मिला है। मत्सर मतलब ईर्ष्या, मत्सरी मतलब ईर्ष्या, जलन, ठीक है? तो इसलिए हम सब लोगों को इनको मनन करना चाहिए और इससे अपने आध्यात्मिक जीवन में लाभ लेना चाहिए, जिससे कि हम वास्तविकता में भक्ति में प्रगति कर सके, समर्थ होता है, और ऐसा कर लेने पर वह भगवान की सेवा कर सकता है। जब वो काम क्रोध लोभ का दमन होगा तब सेवा कर पाएगा। हम लोग सेवा कर पाते ईमानदारी से, व्यक्तिगत अगर हम देखें तो हम लोगों से सेवा नहीं होती। सेवा तो छठ गोस्वामी करते थे, हमारी गुरु परंपरा के आचार्य करते, हम लोगों से कहाँ सेवा होता है? हम लोग तो कोशिश करते हैं लेकिन वो इस पर हमारा नहीं है। तो प्रभाव को दमन करने समर्थ, और वह भगवान की सेवा कर सकता है। इस प्रकार वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रेमा भक्ति को निश्चित रूप से प्राप्त करेगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं उसे निश्चित रूप से प्राप्त करेगा। प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, प्रभुपाद जी उसका अनुमोदन कर रहे हैं। अब हमें मनन करना है कि हमारे अंदर कमी कहाँ है। एक मेरा जरूर निवेदन है आप सब लोगों से, अगर आप चाहते हैं आपका मन खराब हो तो आप एक दूसरे से बात करके एक दूसरे से राय लो, और अगर आप चाहते हो कि आपका मन खराब न हो, आपको सही बात सही दिशा में पता चले, तो आप निसंकोच जब क्लास होती है तब प्रश्न पूछो, कोई भी प्रश्न पूछो, जो आपकी प्रैक्टिकल समस्या है, जो भी आपके मन में चल रहा है। किसी भक्त, मान लो कोई भक्त किसी भक्त से परेशान है, या किसी भक्त ने उसको कोई गलत बात बोल दी, तो उस भक्त का नाम मत लो, और कभी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे सुनने का कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन हाँ समस्या जरूर बताओ जिससे आपको समाधान मिले और हम लोग उस समाधान पर आगे बढ़े। श्री प्रभुपाद की जय, गौर दाय की जय, तुलसी महारानी की जय, उपस्थित समस्त भक्तवर्ण की जय, गौर ब्रह्मानंद। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? सब लोग आराम अपने अपने स्थान पर जाओ।
जैसे इसका तरीका क्या है, इसको नष्ट करने का तरीका क्या है, इसको सेवा में तो लगाया नहीं जाता, इसको नष्ट करने का तरीका क्या है, इसका नष्ट करने का तरीका केवल सेवा और गुणगान है बस। तुम अपने जीवन में एक संकल्प बांध लो, भगवान गुरु माता पिता इनका गुणगान करो और इनकी सेवा करो। ये उल्टा कर रहे हैं तुम्हारी बुद्धि के अनुसार, क्योंकि हमारी मन के अनुसार कोई चीज नहीं होती, तुम्हें क्या लगता है तो उल्टा कर रहे हैं। ये माता जी ने कैसा कर दिया, पिताजी ने कैसा कर दिया, ये गुरु कैसा कर दिया, ये व्यवस्था कैसे हो गई, वो भगवान ने मेरे जीवन में क्यों किया। अभी भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, मुझे थोड़ा धन नहीं दे सकते, अरे मेरी कमर का दर्द सही करते, बोले क्या मुश्किल है, थोड़ा सा इशारा करता पर हो जाएगा ठीक, क्या भगवान। तो भगवान के अंदर दोष नहीं दो, क्योंकि तुम्हारा बुद्धि नहीं है देखने, दृष्टि नहीं है। भगवान गुरु माता पिता इनमें दोष देखना बंद कर दो और इनका गुणगान शुरू कर दो, और जितनी सामर्थ्य है उसने इनकी सेवा करो, माता पिता गुरु और भगवान, और इसका परिणाम ईर्ष्या भूत होगी 100%, लेकिन करना पड़ेगा गुणगान और सेवा बस। कोई सब लोगों को लगता है कि सब अपना अपना देखते हैं, सब अपना देखते हैं और अगला मतलब कुछ है ही नहीं, जो भी होगा सब अपना कर लो जल्दी से, और हाँ तुम हमारा होगा, हाँ तुम जाओ, मतलब जैसे लगता है कि एक माँ अपने बच्चे का प्यार करती है, दूसरा बच्चा बोलते हाँ वो ठीक है, बड़ा हृदय में लगता है कि यार इतना बड़े सालों से है और सब कुछ इतना अच्छा है, बट ये स्वभाव देख के लगता है बड़ा लगता है कि क्या है, इतना लेक्चर सुन स्वाभाविक था। दोनों इस तरह समझना होगा, आपको जो ऐसा देख रहा है उसको भी समझना होगा और जो ऐसा कर रहा है उसे भी समझना होगा, जो देख रहा है उसे ये समझना होगा कि हम सब कंडीशन सोल है, हम शुद्ध आत्माएं नहीं है, हम शुद्ध होने की कोशिश कर रहे हैं, तो गलतियां होना स्वाभाविक है। ये दृष्टिकोण किसका होना चाहिए, देखने वाले का, और करने वाले का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, उसे मनन करना चाहिए, हम आए हैं सेवा करने के लिए, हम आए हैं भजन करने के लिए, हम थोड़ा अनकम्फर्टेबल है ठीक है, सेम करें, हम कोशिश करें जो भगवान दे उस दोनों नजरिया अलग अलग है। हमें ऐसा ध्यान रखिए दो दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं, पुत्र का दृष्टिकोण अलग है, माता पिता का दृष्टिकोण अलग है, चाहे वो सेवा का हो चाहे विचार का हो, माता पिता का विचार पुत्र के प्रति विचार अलग होगा, सेवा का स्तर अलग होगा, पुत्र भी माता पिता के विषय में विचार करेगा सेवा करेगा लेकिन उसका स्तर अलग होगा, उसका सेवा ही अलग होगा, गुरु का सेवा शिष्य के प्रति अलग होगा, विचार अलग होगा और शिष्य का विचार गुरु के प्रति अलग होगा। जैसे गुरु का सेवा क्या है, वो शिष्य में दोष देखे, और शिष्य का सेवा क्या है कि गुरु में कोई दोष न देखे, उल्टा है ना, उधर क्या है, गुरु का सेवा क्या है कि वो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से निकलने के लिए भगवत गीता चैतन्य चरितामृत अन्य माध्यम से मार्गदर्शन करे और अपने स्व आचरण से भी सिखाए, तो ये किसका सेवा है, गुरु का। शिष्य का सेवा क्या है कि वो सेवा करके उन सब चीजों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करे, वो ये ना करे ऐसा ठीक है हमने सुन लिया जब दूसरे को सुना देते, वो अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करे उसको। तो हम लोगों की प्रॉब्लम यही, जैसे प्रहलाद अभी सुनिश्चित बोला जाता है, कई भक्तों का प्रश्न होता है, अरे भी सुनिश्चित वो भक्त एकदम ऐसे बोल रहा है, अरे या वो गुरु जी बोल रहे हैं प्रहलाद अभी सुनिश्चित हो, बस बात गुस्सा हो जाते हैं। तो भैया प्रहलाद अभी सुनिश्चित किसके लिए है, एक शिष्य के लिए है, गुरु के प्रति भगवान के प्रति और सबके प्रति, लेकिन इस तरह है ना, हर व्यक्ति सबके प्रति नहीं कर पा रहा है, कम से कम भगवान के प्रति करे, कम से कम गुरु के प्रति। अब गुरु का कर्तव्य क्या है, अगर वो प्रणाम रखी बजाएगा तो किसी को शिक्षा दे पाएगा, अभी माता पिता बच्चों के प्रति प्रणाम रखे, बोले बेटा तुम जो करना है करोगे, तो प्रणाम रखी हूँ, शिष्य जो भी कर रहा है उल्टा दिन का काम कर रहा है, कुछ भी भगवान कर रहा है, कुछ भी किसी को कर रहा है, बोले मैं तो प्रणाम रखी, बोले नहीं जो करना है करो, तो प्रणाम रखी, ऐसा नहीं होता, डांटना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तो वहां प्रणाम रखी के परिभाषा अलग है, तो हमें इतना पता नहीं होता, इसलिए हम चीजों को सही जगह इस्तेमाल नहीं कर पाते,
शास्त्र शस्त्र से ज्यादा खतरनाक। मैं पहले कई बार विश्वास शस्त्र क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा एक जीवन खराब करता है। लेकिन अगर शास्त्र को गलत तरीके से समझेंगे और गलत तरीके से कार्य करेंगे तो जन्म जन्मांतर खराब हो जाएंगे। तो कृपया सावधान रखिए। लेकिन हम लोग इतने मूर्ख हैं कि हम शास्त्र को तो गंभीरता से लेते हैं लेकिन शास्त्र को गंभीरता से नहीं लेते उसको। हाँ बोले आपको समझ में आ गया। अभी मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। एक ऐसी रिवॉल्वर जिसमें चारों तरफ नलियां हैं, ठीक है, और बताया जाता है ये लोडेड है, ठीक है, ये कैसे इसको चलाने का तरीका नहीं पता है और ये आपके बीच में रख दिया है। आप मेरे कितने लोगों से उठा के देखेंगे कहां से चलेगा, क्यों नहीं जाएगा, चारों तरफ नलियां है भाई, लोडेड है, कहां से चल जाए तो काम पड़ा रख लो भाई, हमें मतलब नहीं है, ठीक है। और गीता भागवत अरे मैंने पढ़ा है दूसरे अध्याय की आओ इधर समझा दे, कुछ तो कुछ समझाएंगे और उसका परिणाम हमको भी भोगना पड़ेगा, हम बच नहीं सकते उसे। अगर हम किसी को गलत शिक्षा देंगे तो शिक्षा का परिणाम हमको भोगना होगा। आप अगर गलत शिक्षा किसी को दे दोगे और आपकी गलत शिक्षा से किसी का जीवन खराब होता है, किसी की भक्ति नष्ट होती है, कोई गलत मार्ग पर चला जाता है, उसका परिणाम भोगना होगा, बच नहीं सकते। तो इसलिए हम सबको सावधान होना चाहिए। अगर हम किसी को अच्छी भावना न दे सके, सही शिक्षा का ज्ञान नहीं है, नहीं समझा सकते, तो सबसे अच्छा है चुप रहे और उतनी बात बोले जितनी बात मुझे समझ आई है। ओवर शिक्षा देने की जरूरत नहीं, उससे हमारा आयु हो सकता है, ठीक है। और कोई प्रश्न, आपकी बात समझ नहीं पा रहे, थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा पास आइए। एक बात है उसको मानते हैं हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आपने जैसे बोला आप ऐसे करो, लेकिन औरों को देख करके उसमें कमी निकालेंगे, हम देखें कि ऐसे कर रहे हैं ये चीज नहीं, हम समझे। देखो दो बातें, दोनों बातें, पहली चीज तो ये आप कितनी माला जब करते हैं, आप कितनी माला जब करते हैं, हाँ आपने कितना सत्संग सुना है, नहीं सुना तो प्रॉब्लम यही है। हाँ तो क्लास में आते हैं नाम जब करते सुनो, आप सुनो आपको समझ आएगा। आप जो बात कह रहे हो वो गलत नहीं है, वो बात ठीक है, लेकिन इसको समझिए। जब आप प्रॉपर सुनेंगे नाम जब करेंगे करिए। हम लोगों की प्रॉब्लम ये हम करते नहीं, हम लोगों को शिक्षा के बोले ऐसे करो ऐसे करो ऐसे, चलिए आप कुछ करें तो सही, हम लोगों को उसको समझना होगा। तो मेरा कह रहा आपका निवेदन, आपका जो प्रश्न है मैंने समझ लिया, उसका समाधान भी दे दे रहा हूँ। निश्चित रूप से हमें भगवान का नाम स्पष्ट स्वर में बोलना चाहिए और सुनना चाहिए, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम उसको बड़ा लेमय करें या बहुत नहीं। हमारे आचार्यों ने सब कुछ बताया, एक हरे कृष्ण महामंत्र का जप 5 मिनट से लेकर के 7 मिनट के बीच में अगर किसी साधक का हो रहा है वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर 5 मिनट से कम लग रहा है तो निश्चित हरे हरे खा रहा है या कृष्ण कृष्ण खा रहा है, और अगर 7 मिनट से ज्यादा लग रहा है 10 मिनट नया व्यक्ति की बात अलग है। लेकिन अगर कोई पुराना साधक है उसका जप जो है वो 10 मिनट का हो रहा है एक माला, तो वो भी जप नहीं, वो ठीक नहीं। उसको बहुत गा करके लय में नहीं करना है, उसको बोलना है और सुनना है। हरे कृष्ण हरे रूपा जी का जो टेप है ना उसको सुन सकते हैं, रूपा जी कैसे जब करते हैं आप देखोगे उस स्पीड पे उनके साथ जब करो आपको 5 और 7 के बीच में ही समय लगेगा, न कम न ज्यादा, ठीक है, आपका मानना नहीं चलेगा।
पहली चीज समझ लो, सुन लो मेरी बात को। हमारे हम लोगों के अंदर यही मिथ्या अहंकार बहुत है, मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा मानना नहीं। आप बोलो प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला है, वो मानना चलेगा। शास्त्र ऐसा बोल रहा है, वो चलेगा। यही तो हमें सीखना है। आप सत्संग में आओ, सत्संग में आओगे तो आप सीख पाओगे। लेकिन आपका प्रश्न अच्छा था, धन्यवाद। और कोई प्रश्न? जैसे आपने बोला था कि जप करने के लिए, कीर्तन करने के लिए अभी भाव होना चाहिए, सूर्य सरस्वती महाराज का उदाहरण दिया गया कि देह में गाना इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्यान में इम्पोर्टेंट। तो बहुत से लोग कहेंगे अब मुझे क्या कीर्तन सीखने की जरूरत है, तो गाई देंगे ना, नाम में आनंद लेंगे हम लोग। तो ऐसा नहीं है। ये सुर ताल मृदंग हारमोनियम संगीत से भगवान को आसानी से पाया जाता है। संगीत में इन्वॉल्वमेंट होने से आपका मन बड़ी आसानी से भगवान की सेवा में लगता है। तो इसको गलत भावना से मत लेना, लेकिन इसको समझने वाली बात ये नहीं सोचना कि नहीं अब हमें तो कोई लय की जरूरत नहीं है या हमको लय में नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हमको वरना क्यों प्रभुपाद जी सब लोगों को मृदंग करता है, प्रभुपाद सीखे ऐसे सीखो, ऐसे बजाओ, ऐसे गाओ। तो लय में गाना को गलत नहीं लेना कि लय में नहीं गाना है, लेकिन लय ही सब कुछ नहीं है, ये भी हमें समझ में आना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें लय की जरूरत नहीं। हम क्यों प्रभु से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे सब भक्तों को मृदंग सिखाओ, करतार सिखाओ, सब लोगों को लय में गाना सिखाओ, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लय में गाने से क्या होता है, जो नव दीक्षित लोग हैं या नई भक्ति में आने वाले लोग हैं वो आकर्षित होते हैं और हमको भी आनंद मिलता है। जब हम लय में गाते हैं तो हमारा भी मेडिटेशन होता है, हमारे मन की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, हमारा मन उस स्तर का भी प्योर नहीं है। तो कृपया कोई कंफ्यूज ना हो, ठीक है? प्रभु जी अभी आपने बोला भक्ति का मतलब प्रेम में सेवा, बट प्रभु जी मुझे ऐसा लगता है प्रेम में सेवा बहुत लेवल जो है वो अभी इतनी जल्दी हम नहीं पा सकते। बट एक प्रभु जी चीज है कि एक अच्छा इंसान बनना, जैसे आपके लेक्चर सुन के एक अच्छा इंसान बनने का वो होता है, बट अभी प्रभु जी मेरे को ऐसा लग रहा है, शायद मेरे अभी गंदगी है, कि आप अगर किसी को कुछ नहीं कर सकते बट उल्टा तो मत बोले चमचे हो ये। अरे प्रभु जी मतलब इतना बेकार लगता है कि हम कुछ कोशिश कर रहे हैं और ईर्ष्या इन शब्दों को जन्म देती है, क्योंकि वो खुद को सेवा कर नहीं पा रहा, वो खुद को शरणागत हो नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका अपना ईगो, अपना अहम, उसके अपने पूर्वजन्म के कर्म, उसके पूर्वजन्म के अर्जित किया हुआ स्वभाव आड़े आ रहा है। तो जब कोई चीज उससे होती नहीं है और कोई उससे अच्छा करता है तो उसको एक शब्द देते हैं चमचा। अक्सर लोग कुछ तल्ले चाटता है चमचा, हम तो नहीं करते ऐसा। कई बार लोग बोलते हैं अरे आध्यात्मिक भौतिक जगत में तो बड़ा चमचागिरी है, आध्यात्मिक जगत में नहीं। तो आप एक बार समझ लीजिए आध्यात्मिक जगत में भौतिक जगत की हजार गुना चमचागिरी ज्यादा है, इसको समझ लीजिए। हमको जब तक हम अपने गुरुजनों के हजार गुना सांसारिक चमचों से बड़े चमचे नहीं बनेंगे हमारा काम नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। और अगर कोई ऐसा बोलता है चमचा तो उसको हृदय से प्रणाम करना चाहिए कि आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हो कि मैं सही मार्ग पे जा रहा हूँ, ठीक है ना? उसको कुछ बुरा नहीं मानना चाहिए। बुरा मानने का मतलब पता है क्या है? बुरा मानने का मतलब है मेरा लेवल और उसका लेवल एक सा है, भाई उसने चमचा बोला और हमको बुरा लग गया, चमचा मैं चमचा किसी का चमचा नहीं हूं मैं, कैसे बोला मुझे चमचा? और अगर हम उसको प्रणाम करें अरे आपने बिल्कुल मुझे सही आशीर्वाद दिया, मैं तो चाहता हूँ कि मैं सच में अच्छा चमचा बन जाऊँ, हमको बुरा नहीं लगेगा बल्कि आपको खुशी होगी, अरे आपको चमचा बोला तो बुरा तो नहीं लगेगा भाई। हमें कोई बोले आप भगवान के महान चमचे हो, महान सेवक हो, महान दास हो, ये बुरी मानने वाली चीज नहीं है। तो हम लोगों को दोनों लेवल से समझना होगा, ठीक है? लेवल नहीं है अभी, आएगा धीरे धीरे आएगा, कोई बात नहीं, वो आएगा धीरे धीरे। देखो सहन कर भक्तों का संग बहुत, देखो एक बात बताए शास्त्र में क्या बताए, संसार में शास्त्र और संतों ने क्या कहा, मैं फिर आपको एक बात बोलूंगा, कृपया मेरी इस बात को गांठ बांध लीजिए जीवन में। जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं उसी बात को मैं केवल रिपीट कर रहा हूँ। अगर जीवन में सत्य जानना चाहते हो तो प्रत्येक बात को जिसमें तुम कंफ्यूज हो कम से कम उस बात को गुरु साधु शास्त्र की कसौटी में कस लो और अपने दिमाग से सब निकाल कर, अगर वो तीनों एक है फिर उस पर चलो।
उसमें किसी प्रकार के कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ, मुझे का कहना है कि कहने वाले ने तो कह दिया, लेकिन हमारे अंदर भी अहंकार है, हमको भी बुरा लगता है, अरे तुमने बोल दिया मुझे। तो हमारे अंदर जो अहंकार है वो ये अहंकार है नहीं है, अभी हम चमचागिरी कर तो रहे हैं लेकिन चमचा मान नहीं रहे, तो हमें मान लेना है। और हमें खुशी होनी चाहिए कोई हमें चमचा कहे, हमको इस बात से क्या होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए कि हाँ मैं अपने मार्ग पर सही जा रहा हूँ। जैसे कई बार हम लोग भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, पागल हो गए, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो जब पागल बोलते हैं तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या सोचता है, हम सही मार्ग पे जा रहे हैं। क्योंकि अगर कुछ करोगे तब लोग, जब तुम भेड़ चाल पे चलते रहोगे तो कोई तुम्हें पागल बोलेगा। और अगर तुम शास्त्र की बात मानोगे, गुरु की बात मानोगे, संतों की बात मानोगे, तब क्या होगा, तुम संसार की भीड़ से अलग कार्य करोगे। और जब तुम उनकी भीड़ से अलग कार्य करोगे और जब तुम कुछ अच्छा करोगे तब तुम्हें लोग पागल बोलेंगे। एक बात और ध्यान रखिए, मैं आपको एक बात और ध्यान देना चाहता हूँ, आप सब तुम बुद्धिमान बुद्धि रखोगे तो कल्याण हो सकता है, मूर्ख रहोगे तो तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, तुम अनंत जन्म तक भौतिक जगत में ही रहोगे। बुद्धिमान बनना बहुत आवश्यक है, किसी भी बात को जानना बहुत आवश्यक, क्या है, क्यों है, किस लिए ये बात आ रही है, क्यों आ रही, इसका कारण क्या है। तो पागल अगर कोई बोल रहा है तो बुरा नहीं, बस करते अगर कोई आप नाम जप कर रहे हो, माला दे रहे हो, आप 24 घंटे भगवान को याद कर रहे हो, लोग बोल रहे हैं पागल हो गया है, देखो 24 घंटे नाम जप, ऐसा थोड़ी होता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसने गीता को, भागवत को, प्रमाणित संतों को सुना नहीं है, तो वो क्या बोलेगा। और एक बात ध्यान रखिए, किसी को प्रॉब्लम किससे होती है, एक बात ध्यान रखना, जैसे अभी कोई नया भक्त आया होगा ना, अब वो चुपचाप अपना प्रसाद दे रहा होगा, अपनी यात्रा में पार्टिसिपेट कर रहा होगा और अपना एकांत एक गुमनाम जिंदगी में होगा, तो उससे कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं। अभी एक व्यक्ति थोड़ा सिद्धांतों को सुने, समझे और गंभीरता से लेकर के सेवा करने लगे, आगे आगे आने लगे, सबकी कौन है इसको खराब किया जाए, कलयुग तुरंत आता है, वो आता है क्लेश, कलयुग उसको खराब किया जाए। बोले ये कैसे भगवत धाम जा रहा, केकड़े है ना, उसको एक केकड़ा क्या करता है, हाँ एक बाल्टी में चार केकड़े डालो फिर क्या मिलेंगे, चारों में चारों बाल्टी, और वो खींचते कैसे हैं, जो बाहर निकलने की कोशिश करता है, जो नीचे पड़ा होता उसकी टांग खींचते क्या नहीं। तो अगर खुद में टांग खींच रहा है तो इसका मतलब तुम्हें बुद्धिमान हो जाना चाहिए कि हाँ अभी तुमको कोई निगेटिव बोल रहा है, और वो कोई और नहीं होगा, आपके बीच में आपका ही साथी भक्त होगा। क्योंकि माया देवी जानती है जब किसी पर भौतिक बाहरी लोगों का प्रभाव नहीं पड़ता तो वो क्या करती है, भक्त के रूप में आती है और भक्त के माध्यम से बोलती है। हाँ अभी उसकी उसकी कृतज्ञता को जज करती है, उसकी निष्ठा को जज करती है, क्योंकि अभी आपको कोई बाहर का व्यक्ति बिना कंठी पहने तिलक लगाए, बिना कुछ किए हुए आपको बोले ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, आप क्या कहोगे, तुम्हारा गुस्सा आश्रम क्या है, तो हमको समझाओगे, चलो लो, तो हम लोग उसकी नहीं सुनेंगे। लेकिन अभी कंठी पहने हुए बढ़िया सा सुंदर सा तिलक लगाए हुए कोई 3 साल 4 साल 5 साल पुराना भक्त आए और कहे तुमको प्रभु क्या कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन अपना विवेक भी रखो, गुरु साधु शास्त्र की कसौटी पर उसको देख लो क्या ये सही है। और एक बात देखो, वो आपके भले के लिए कह रहा है या वो आपके बुरे के लिए कह रहा है। और मैं आपको एक बात और ध्यान देना चाहूंगा, भला वो शारीरिक सुविधा के स्तर का बोल रहा है या आत्म कल्याण का भला बोल रहा है, इस कसौटी पे खरा उतर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो आपको खराब कर रहा है या आपको अच्छा कर रहा है, आपको क्लियर हो जाएगा, आपको खुद समझ आ जाएगा। क्योंकि हमें कोई शारीरिक सुविधा देता है तो हमको बुरा लगता है कि अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगता है। और कोई हमसे तपस्या करवाए, कोई कहे अरे तुम तो तपस्या, अरे धाम में आयो, पहली चीज तो हम लोग कई बार तीर्थ यात्राओं में आते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ हमारे साथ तीर्थ यात्रा में वो व्यक्ति बिल्कुल ना आए जो पिकनिक के मूड से आ रहा है, जो तपस्या के मूड से आ रहा है वो आए, वरना उसको लगेगा हमारा पैसा तो बेकार चला है। क्योंकि ना हमें
अच्छे से लेने को मिला ना अच्छे से कुछ मजा करने को मिला, बस जो बोला वो कहाँ पड़ा, इधर जाओ उधर जाओ इधर आ जाओ उधर करो मंगला आरती करो चार बजे उठ जाओ रात को, वो ना है। मैं हमेशा से बोल रहा हूँ वो व्यक्ति हमारे साथ ना है। वो अपना पैसा खर्च करे, अपना टिकट बुक करे और बढ़िया फाइव स्टार होटल में रुके, प्लेन का टिकट ले और आराम से मजा करे। हमारे साथ वो आए जो सेवा करने को तैयार हो, एक दूसरे को सहने को तैयार हो, एक दूसरे की देखो जब हम भागते हैं हम कोई प्योर नहीं, हम सबसे गलतियां बनेंगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ हम सबसे गलतियां बनेंगी, लेकिन हमें एक दूसरे को सहना आना चाहिए। जो सहेगा वो रहेगा, जो सह नहीं पाएगा वो क्या करेगा, वो किनारे हो जाएगा। अब किनारे होंगे तो क्या नाम मिलेगा, तो सीख पाएंगे। लेकिन हाँ हर किसी से प्रश्न नहीं करना चाहिए। हमारी प्रॉब्लम ये है हम किसी को पकड़ लेते हैं उसे बुझाओ बताओ प्रभु जी, यहाँ जब पूछा जाएगा प्रश्न करो तो मुंह में ताला लग जाएगा। तो इसलिए हम सब लोगों को एक दूसरे से पूछना चाहिए और बात करना चाहिए, सामने बात करना चाहिए। भक्त राम प्रभु का प्रश्न है जी। प्रभु जी ने संसार का जो शब्द निकाले हैं, तो चमचा जो शब्द है स्थान स्थान पे मायने रखता है, वो चमचा आप कहाँ यूज कर रहे हो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रभुपाद जी ने चर्चा करी किसका करे, भगवान कृष्ण कर करे वर्ल्ड के अंदर जो है, वर्ल्ड के अंदर उन्होंने सारी दुनिया को रिकॉग्नाइज किया। एक चमचागिरी बताया कि हम चमचागिरी करके वो मर्डर कर दिया है, एक भी उसको बचाया जाता है वो आदमी बच जाता है। तो चमचागिरी आप देखिए कौन से स्थान पे किया जाता है और किसके साथ किया जाता है, उसको मान्य रखा। हाँ बिल्कुल, तो ने एक बात बहुत अच्छी बात कही, इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। चमचा अगर कोई व्यक्ति किसी को मर्डर करना है और सामने वाला व्यक्ति कह रहा है वो बढ़िया मर्डर हुआ, वो बढ़िया मर्डर हुआ, वो अच्छा नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ भगवान और भगवान के भक्त गुरुजन वो हम लोगों को हमेशा अपने को प्योरिफिकेशन के लिए बोलते हैं और हमारा प्योरिफिकेशन वैष्णवों की गुरुजनों की सेवा करने से होगा। तो ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। और कोई प्रश्न? मेरा एक प्रश्न है कि शास्त्रों में और साधुओं ने जब ने ये बताया कि हरि से हरि का नाम का भजन रखा है, तो यदि मुझे सब कुछ फैसिलिटी है, मुझे खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, दवाई मेडिसिन वगैरह सब कुछ मिल रहा है, मैं बैठ कर खाली राम नाम कर रहा हूँ, हरि कृष्ण मंत्र कर रहा हूँ, तो कोई काम नहीं कर रहा, भगवान की कोई सेवा नहीं कर रहा, ना गुरु की सेवा कर रहा, ना अपना धन किसी को देने को प्रस्तुत हो, मैं खाली काम नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा उद्धार कैसे होगा? प्रभु जी का प्रश्न है अगर मैं केवल राम नाम राम नाम कर रहा हूँ, भागवत कर रहा हूँ, लेकिन ना मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, ना मैं गुरु की सेवा कर रहा हूँ, ना मैं वैष्णवों की सेवा कर रहा हूँ, ना हम अपने धर्म को जो लोग है उसको भी ऐसी चीज बनाए हुए हैं, तो हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा, या हमारा कल्याण कैसे होगा? देखो भगवान का नाम लेने से कल्याण तो होगा, लेकिन जन्म लगेंगे, बहु जन्मे करें श्रवण और कीर्तन तो प्रभाए कृष्ण पदे परिंदा। अगर कोई नाम लेना है तो उसका भला तो होगा ही होगा, इसमें तो किसी को कतई संदेह होना ही नहीं चाहिए। अलग अलग जगह अलग अलग शास्त्रों में बड़ा महिमा है, भाई तो भाई अनकाल सबू नाम जब मंगल मंगल होगा, तो नाम जब साधक का बुरा नहीं होगा उसका भला होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो इसी जन्म में भगवत धाम जाओ, तो फिर हमें क्या करना होगा, अपराध शून्य हो ले हो कृष्ण नाम, अपराध से शून्य हो गए। कौन से अपराध? वैष्णव अपराध, किसी भक्त को हृदय ना ठेस पहुंचे, किसी भक्त का हृदय दुखे नहीं, हमारे द्वारा कोई ऐसा व्यवहार ना हो कि कोई भक्त बुरा माने, अपराध शून्य। और नाम अपराध, दस नाम अपराध, उनके प्रति सावधान होकर के, वैष्णव अपराध, किसी भक्त के प्रति अपराध ना हो, सेवा अपराध, अपराध शून्य हो, अपराधों से शून्य होना हो, और ले हो कृष्ण नाम। तो जब हम अपराध शून्य होकर के कृष्ण नाम लेंगे तब मुझे प्रेम धन मिलेगा। इसलिए हम लोगों को, और अपराध कब नहीं होगा, जब कब अपराध कैसे पता चलेगा, आपके कमरे में चुपचाप भजन कर रहे आपको पता चलेगा, आप कहोगे आप सारे अपराधों से मुक्त हो, लेकिन जैसे ही 10-100 वैष्णवों के बीच में आओ सेवा करो, हाँ सबकी जो सेवा करो, सबको एडजस्ट करो, सबको बर्दाश्त करो, तब फिर क्या होता है सारे अनर्थ बाहर आते हैं निकल निकल के, ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध एक दूसरे को देख देख करके उड़ने लगते हैं, लेकिन नाम करते करते भक्तों के संग कोई चीजें बताई, महाप्रभु ने सब कुछ बताया, महाप्रभु ने कहा
साधुओं का संग में नाम जप, संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन, सबके साथ में संग कीर्तन करो, क्योंकि संग कीर्तन करने से क्या होगा, हमारा शुद्धिकरण होगा। और इसके लिए आचार्य बड़ी अच्छा उदाहरण देते हैं, हम सब क्या है, एक उदाहरण देते हैं पत्थरों का। पत्थर होते हैं जो कई जगह से नुकीले होते हैं, उन 100 पत्थरों को एक बोरी में डाल दिया जाए, ठीक है, और उनको थोड़ा थोड़ा हिलाया जाए साथ में, ठीक है। अभी 100 पत्थर पड़े हैं, सबको हिलाया जाए, ठीक है। अभी आगे क्या होगा, कुछ समय बाद जो वो निकलेंगे बाहर, कैसे निकलेंगे, सारे गोल गोल होंगे, क्योंकि सबके कोने जल जाएंगे, है ना। तो हम लोगों के भी बड़े कोने हैं, जब हम भक्तों के संग में सेवा करते हैं तो वो कोने जलते हैं, वो आसान नहीं है। इसीलिए जो नए भक्त आते हैं, एक मेरा और निवेदन, जो बिल्कुल नया भक्त है और भक्तों के संग में आ रहा है, उसको जो कम से कम पुराने भक्त हैं उसको बहुत केयर करना चाहिए, क्योंकि अभी उसको कोई सिद्धांत नहीं पता, उसको कोई शिक्षा नहीं है, तो हमें उसको बहुत केयर करना चाहिए। और केयर का मतलब है उसे बहुत प्रेम देना चाहिए, उसकी बहुत देखभाल करनी चाहिए। उससे क्या होगा, वो आपके उस प्रेम को जानेगा। उसको बढ़िया भोजन दो, उसको बढ़िया कमरा दो, उसको बढ़िया रहने की व्यवस्था करो, उसको अच्छा सा प्रसाद दो, इससे वो क्या करेगा, सोचेगा लोग मेरा कितना ध्यान रख रहे हैं। और आपने कहा है तपस्या करो, तुम तो नए हो, मैं इतना पुराना हूँ, तुम तपस्या करो, ऐसे करो, तुम प्रसाद पहले बात में लेना, तुम बाद में आए हो, तुम सबसे बात करो, अभी पहले वरिष्ठ लोगों को लेने दो, तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। उसका अच्छा, यहाँ तो अपना अपना पड़ा हुआ है, लोगों को अपने उनके साथ के हैं लोग, अपने खिला रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं रख रहे, तो उसका मन खराब होगा। इसलिए खास करके हम जो बीच श्रेणी के भक्त हैं उसमें सबसे ज्यादा तपस्या करना पड़ता है, ऊपर वालों को भी सहना पड़ता है और नीचे वालों को भी सहना पड़ता है, लेकिन जो जितना सहेगा वो उतना शुद्धिकरण होगा और उसका उतना प्रगति होगा, उसका उतना कोना जड़ेगा। इसलिए हम सब लोगों को साथ हमेशा रहना है, ये तो कभी सपने में आना ही नहीं चाहिए किसी भक्त के कि हम भक्तों का संग छोड़ देंगे, बहुत हो गया, हमसे नहीं खा जाता, हम अपना चुपचाप ही कमरे बजट करें, नहीं, फिर आपके कोने को ही जान पाएगा, आपके कोने कौन जानेगा, ये वैष्णव भी जानेंगे, यही शुद्ध करेंगे। तो हम लोग इनके बीच में रहे, इनके साथ रहे, इनके साथ मिलकर सेवा करें, इससे हमारा निश्चित कल्याण होगा, ठीक है। और कोई प्रश्न, और कोई जिज्ञासा, कोई शेयर करना चाहे अपने हृदय की कोई बात, आपका कहना बिल्कुल सही है, आपका कहना ठीक है, लेकिन देखो ये उनके स्तर पर है, इसीलिए नए भक्तों को जब हम यात्रा पर ले जाते हैं तो उनको समझाते हैं, देखो तुम वहां तपस्या के लिए जा रहे हो, तो उनको इस मूड में नहीं रहना चाहिए, बोले प्रभु जी ने बोला था, देखो मुझे ध्यान रखना चाहिए, मुझे बढ़िया कमरा मिलना चाहिए, और अब देखो ये लोग कर नहीं रहे, सब गलत होगा, कोई नहीं बात मान रहा है, तो ऐसा उनको नहीं सोचना चाहिए। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, दोनों मानसिकताएं अलग अलग, जो उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए लेकिन हमको ऐसा सोचना चाहिए, ठीक है, दोनों बातें अलग, ठीक है। इससे क्या होगा, हम लोगों के बीच में प्यार बढ़ेगा। मैं बार बार आप लोगों को एक बात बोलता हूँ, चार लोगों को साथ रखना कितना मुश्किल होता है, अरे और सब छोड़ो, दुनिया में सबसे आसक्त बंधन पति पत्नी साथ रह जाए अगर अकेले एक कमरे में, और उनको एक कमरे में बंद कर दो, तुम केवल 2 साल के लिए, 2 साल नहीं 2 महीने के लिए, दोनों बाल नोचते हुए निकलेंगे, क्योंकि बड़े आसक्त है दोनों एक दूसरे, तुम दोनों को अकेला छोड़ दो, कोई ना हो, वो तो पढ़ा कई बच्चों में निकल जाती है, कई किसी दूसरे में निकल जाती है, दो को अकेला छोड़ो, ठीक है, फिर निकल के आएगा जल्दी। तो इसलिए दो लोगों को साथ रखना मुश्किल होता है, यहाँ तो प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु परंपरा की कृपा से हजारों सैकड़ों भक्त हम लोग साथ में हैं और साथ मिलकर के सेवा कर रहे हैं, सह रहे हैं, चल रहे हैं, साथ मिलकर के आनंद, देखो आनंद फिर मैं बोलूंगा हृदय का है, वो प्रेम से आनंद मिलता है। एक और बात, एक और प्रश्न आया, हाँ वो जरूर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक भक्त बोला एक भक्त से, प्रभु जी बोल रहे हैं बड़ा आनंद आ रहा है, आनंद हालत खराब हुई जा रही है, क्या आनंद आ रहा है, बोले एक सेकंड राम गए सवेरे से गए शाम को वापस आ रहे, हालत खराब हो गई, एसी का पैसा लिया था, एसी बत्ती ने, उसके बाद बोले सुना था कर, जब कोई शुरू होता है कम से कम एक साथ वहीं से करवा देते,
अब उतनी रात में भागो भाग गए उसको भागो भाग इधर आए कौन सा आनंद कोई आनंद नहीं है वो सबके सामने बोल नहीं पाते नहीं बोलते हैं तो हमने कहा तुमने क्या उत्तर दिया हमने कहा ठीक क्या तो हमने कहा ये बताओ वो मूर्खता कर रहा था ठीक है तुमने भी मूर्खता में हमें हमें ला दी तो बोले मुझे बाद में मेरे मन में आया कि मैंने शायद अच्छा नहीं किया मैंने मुझे इसलिए मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ तो मैंने कहा तुमको वही मुझे बोलना चाहिए था कि प्रभु देखो इस बात को मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ हम दोनों प्रभु जी से पूछेंगे ठीक है और हमें समाधान वो न करके तुमने बोला बोला ठीक है तुमने उसको भी खराब कर दिया ठीक है तुम तो समाधान ले लोगे सुधर जाओगे वो बेचारा क्या करेगा उसको कहां से पता चलेगा क्या है क्या नहीं तो कृपया इसे समझिए ये बहुत से लोगों का प्रश्न था सारे बड़े धागे लगा के रहते हैं तो देखो इसको समझ लो पहली चीज तो ये है मैं बार बार आपको बोलता हूँ आनंद शारीरिक सुविधा का विषय नहीं है नहीं है नहीं आनंद प्रेम का विषय प्रेम में आनंद है शारीरिक सुविधाओं में आनंद नहीं है कितनी भी सुविधा मिल जाएगी ना फिर भी तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा क्या मिलेगा सुख मिलेगा आनंद प्रेम में है जब आप स्वयं तपस्या करके प्रेम में किसी की सेवा करते हो तब आनंद मिलता है जैसे एक माँ रात रात भर जागती है अपने बच्चे से प्यार करती है उसका मन साफ करती है रोता है उसको उसको एकदम चिंता होती है क्यों रो रहा है मेरा बच्चा रात रात को गोद में लेकर के जागती है देखा जाए तो उसको आनंद मिल रहा है कि कष्ट मिल रहा है शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो क्या मिल रहा है कष्ट मिल रहा है रात में जाग रही है सो नहीं पा रही है दिन में घर का काम तो कर रही है उसके बाद बच्चे को लेकर के जागे रात रात भर कितनी तपस्या होती लेकिन उस माँ से पूछो उसे हृदय में कौन सा आनंद मिलता है ये प्रभु लोग नहीं समझ सकते ये केवल माता ही समझ सकती तो ये सेवा करने में जो आनंद है ना वो हृदय का विषय है वो बाहरी शारीरिक सुख का विषय नहीं है तो कृपया आप समझिए आनंद सुविधाओं से नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा और जो व्यक्ति सुविधाओं में आनंद सोच रहा है इसका मतलब अभी तक वो आनंद सुख में भेद ही नहीं कर पा रहा है आनंद हृदय का विषय है आपके मन में आनंद होना चाहिए अरे महाप्रभु का हमने दर्शन मिला एक चक्र धाम अनंत जन्म हो गए होंगे बहुत से लोगों ने नाम भी सुना और आज हम यहाँ आ गए हैं आज हमें नित्यानंद प्रभु का चरण धूलि मिल रहा है जिसमें वो खेले हैं जिसमें वो घूमे हैं जो उसका स्थान है जो उसका जन्म स्थान जहां वो प्रकट हुए तो जब आपके अंदर वो भावना प्रेम का भावना रहेगा तो सारा थकान सारी तपस्या शुमंत्र हो जाएगी बल्कि आप प्रेम के आंसुओं से रोने लगोगे और आपको आनंद हृदय से मिलेगा तो आनंद हृदय का विषय है आनंद बाहरी सुविधाओं का विषय नहीं है नहीं है नहीं तो कृपया समझिए हम लोग जो तपस्या कर रहे हैं वो तपस्या करने से ही आनंद मिलता है आप बताओ हमारे छठ गोस्वामी को देखो दो कॉफी में रहते थे छाछ पीते थे रात रात भर सोते नहीं थे दो दो घंटे सोते थे उसके बाद उनको कौन सा क्या आनंद नहीं मिलता था शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो कितने अनकंफर्टेबल स्थिति में है गर्मी नहीं है जंगल है कमरा नहीं है खाने को नहीं है कोई सफर वेराइटी नहीं है छोटी सी छाछ है जिससे भिक्षा मांगी जो मिल गया वो खा लिया फिर निरंतर सेवा में लगे हैं तो देखा जाए तो ये बाहर से देखा जाए आनंद की स्थिति है कि सुख की स्थिति कैसी स्थिति आपको क्या लगता है बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो बड़ा दुख दुख की स्थिति है लेकिन अगर आंतरिक हृदय में देखा जाए तो समझ जाए कि नहीं वो जो संसार का सुख नहीं है वो आनंद है जो आपको हृदय से मिलेगा ये आनंद हृदय से क्यों मिलता है एक बात और बताइए भगवान हृदय में ही बैठे हैं है ना हमारा हृदय ही द्रवित होता है जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हृदय में ये भूख सी उठती है हृदय से लगा होता है वो प्रेम करने वाला प्रेमानंद हृदय में है कृपया समझिए उससे आनंद मांगिए आपको हृदय से हम लोगों की प्रॉब्लम आंख के आनंद चाहते हैं आंख आनंद दो कान आनंद दो त्वचा आनंद दो और हृदय में बैठा परमात्मा तो तुम चुपचाप बैठे रहो आनंद लेना है तो हृदय में बैठे परमात्मा से वो वहां से आनंद मिलेगा ये आंख से कान से नाक से जीव से त्वचा से ये कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों और इन सबका राजा मन इनसे नहीं मिलेगा मन से भी नहीं मिलेगा ये आनंद आपको परमात्मा से मिलेगा वो कब मिलेगा जब आप उस स्तर की चीजों को समझ करके उस स्तर पर साधना करोगे पहले तो समझ में आए क्या है क्या
ठीक है। और किसी नए भक्त का, किसी का कोई प्रश्न, कोई शंका मुझसे पूछो। अंतिम प्रश्न है क्योंकि अच्छा दो प्रश्न है, ठीक है। कारण यह है देखो मेरे पास पर्चा आ गया, 9:45 हो गया, आप लोगों को दर्शन करने भी जाना है और प्रसाद भी लेना है, ठीक है। माता जी निश्चित रूप से जब भी माता पिता का पुत्र अंश है, जो पुत्र अगर अच्छा कार्य करेगा उसका भी परिणाम माता पिता को मिलेगा, और पुत्र अगर बुरा काम करेगा उसका परिणाम भी माता पिता को मिलेगा। शिष्य अच्छा कार्य करेगा उसका फल भी गुरु को मिलेगा, और शिष्य अगर बुरा कार्य करेगा तो उसका परिणाम भी गुरु को मिलेगा, उससे बच नहीं सकते। नहीं बेटा बेटी कोई भी हो, क्योंकि देखो मिलना समझो, आप कृपया इसको समझिए, कैसे बेटा हो बेटी हो जन्म किसने दिया? अभी बेटा कर्म करता है बेटी कर्म नहीं करती क्या? अगर बेटी भजन कर रही है तो अगर माता पिता ने उसे जन्म नहीं दिया होता, उसको ऐसे संस्कार नहीं दिए होते, तो वो क्या वो भजन करती या वो माला पकड़ पाती या वो नाम दे पाती? तो वो नाम ले रही है, वो माला कर रही है, किसकी वजह से? माता पिता की वजह से। चल बेटा और बेटी में क्या भेद है? ये बहुत बड़ी मूर्खता हम लोग करते हैं। बेटा बेटी में रंच मात्र भी भेद नहीं है, रंच मात्र भी नहीं। और मैं आपको स्पष्ट रूप से बोलता हूँ, जब कोई माता पिता के 100 गुना पुण्य होते हैं तब बेटा होता है, और जो 1000 गुना पुण्य होते हैं तब बेटी होती है। और माताओं का भाव प्रभु जी के भावना से हमेशा हमेशा बहुत 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 अच्छा होता है। माताओं का हृदय बहुत विशाल होता है, हर चीज को सह पाती है, सुन पाती है, समझ पाती है। प्रभु जी के अंदर उतना पेशेंस नहीं होता, कुछ शारीरिक संरचना ही ऐसी है ना, अहम भी ज्यादा होता है, जैसे सबना होता है, ऐसा नहीं। अपवाद सब में है, प्रभु जी में भी बड़े अच्छे आपको प्रभु जी मिल जाएंगे, और माताओं में भी पुरुष माताएं मिल जाएंगी, है ना? ऐसा नहीं है, वो सत्य का सब कुछ है। अच्छा, और एक माता जी कुछ पूछ रही थी पीछे, आपको मैं बिठा दिया था। क्या प्रश्न है? लेकिन उसको अपने पास रखो तुलसी में भी, लेकिन तो आप तुलसी जी के लिए लाए हो कि अपने चरण रंग के लिए अपने? अच्छा ठीक है, तो फिर लाइन तो सब भर रहे हैं, आप ही बन दिया सब लोग। हम लोग देखा देखिए ऐसे ही करते हो, सब कर रहे हो हम भी कर देते। कोई बात नहीं, देखो ब्रजमंडल का जैसे चरण धूलि का बड़ा विष्णु है, वैसे ही नवदीप की चरण धूलि का बड़ा विष्णु महाप्रभु उनके भक्त सब जिसमें एक से शुद्ध भक्त, चरण धूलि की बड़ी महिमा है। भक्त पद जल, भक्त मुक्त अविशेष, और भक्तों का चरण धूलि, ये महाबल है किसका? साधकों का। अब हम लोग साधक है ही नहीं, इसलिए हमें इनसे बल नहीं चाहिए और सबसे बल चाहिए। हमें भागवत चाहिए, हमको चेतन चलता में चाहिए। भक्त का चरण धूलि बोले नहीं चाहिए, उसका क्या करेंगे, उससे क्या होगा? भक्त का जूठा खाया बोले उसका क्या होगा, उससे दो नहीं काम होगा। मैं तो चेतन चेतन दो, उससे काम नहीं चलेगा। हम लोग बहुत ही बुद्धि है ना, संसारी बुद्धि, पढ़ने वाले पढ़ने में लगे रहते हैं, बुद्धि पढ़ पढ़ जब हुआ पढ़ने बहु हुए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं बोले सब बंद करके बोले आपसे नहीं खोले चेतन चेतन को। बड़ा मुश्किल होता है कुछ भी बोलना, कौन व्यक्ति किस बात को किस वे में ले जाए, तो समझिए, ठीक है ना? हाँ माता जी, माता जी बेटी का क्या नाम है? प्रियंका माता जी है यहाँ? है नहीं, वो घर पे है, ठीक है। तो माता जी के बेटी का जन्मदिन है, तो उसके लिए धाम में प्रार्थना करें कि वो भगवान की भक्ति में दृढ़ हो और राधा कृष्ण की भवनताई की कृपा पात्र बने। हरे जय जय जय। आज का शुरू